हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरे पीछे खड़ी है 450 टन की एक बहुत ही हैवी मोबाइल क्रेन। व्हाट आर यू डूइंग हियर? हेलो दोस्तों, हाय। सो दिस इज द क्रेन। यहाँ से ये जो हमारा जो बूम है, ये हमारा आता है सीधा गडर पे, और गडर से हमारा आज होने वाला है गडर लॉन्चिंग। जी हाँ, हमको इसके बीच में गडर रखना है रिले पोर्शन में, जिसका सीधा साधा फैक्ट ये रहता है कि उसके लिए हमको टाइम मिलता है। अभी तक हमने जितने भी गडर रखे हैं, 2 से 3 गडर हमने हमारे साइट पे, आई थिंक हमारे 3 साइट के गडर लॉन्चिंग हो चुके हैं, और अभी तक जिसके हिसाब से हमको जो टाइम मिलता है वो रात को 12 बजे के बाद मिलता है, क्योंकि इधर से जो एक आखिरी जो एक्सप्रेस ट्रेन रहती है वो रात के 12:30 के बाद ही रहती है। 12 से 12 अगर ट्रेन लेट रही तो 12:30 हो जाता है। 2 भी बच सकते हैं? नहीं, 2 तो नहीं बचता, 12:30 मैक्सिमम है। तो अगर वैसा लेट होता है तो उसके बाद ही हम इसको उठाते हैं, और उस चीज़ को अगर बनता है रात में, मेरे को टाइम मिलता है, क्योंकि मेरे को टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरे को खुद इस पियर के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो मैं शूट तो कर नहीं पाता हूँ। बट हाँ, मैं अगर कोई नीचे से शूट कर देगा तो मैं उसको आपको भी दिखाऊँगा। बट अभी हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं क्रेन हमारे यहाँ पर आके खड़ा हो गया। यहाँ पर हमको क्रेन खड़ी करने के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पर ये खेत है और ये पूरा खेत का एरिया है। तो एक्चुअली इधर पूरा क्या है, बारिश की वजह से गीली मिट्टी, हमने यहाँ पे फीलिंग करा, उसके बाद पूरा हमने इसको एक बेड बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रेन को यहाँ पे खड़े किया है। काफ़ी हैवी मशीनरी है, इसके ऑपरेटर से भी हम आपको मिलाएंगे। और ये जो आप जो केबिन देख रहे हैं, ये इसका सिर्फ गाड़ी चलाने का केबिन है, बाकी जो इसका जो बूम का जो इसका जो क्रेन का जो लिफ्टिंग का केबिन है, वो वाला केबिन रहता है उधर से, जिसको यहाँ से ऑपरेट करा जाता है। इसको भी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे, और इसके जितने काउंटर वेट जो लगे रहते हैं ये वाला है। और क्या बताया जा सकता है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल है, पब्लिक को सबको पता है, सब जानती है। एंड हाँ, आई थिंक बता, सबसे बड़ा मेरे को जान हैरानी हुआ, इसके जो आप जो टायर देख सकते हैं, इसके जो टायर लगभग मेरे यहाँ तक आ रहे हैं, छाती तक के इसके जो टायर हैं, मतलब इसके टायर काफ़ी बड़े हैं। इसके कितने इंच के टायर होंगे यार ये? 444/95 R25 25 इंच के इसके जो वो हैं टायर हैं, 25 इंच के जो अपना जो टायर है, अपने जो कार में रहता है वो 18 इंच 17 इंच के जो वो रहते हैं, ये 25 इंच है। वही तो, उसी से तो नापते हैं ना। अच्छा, आप टेप लेके घूम रहे हैं क्या? उससे नहीं नापा जाता, नीचे से पूरा ऊपर से ये कर जाता है। और अभी क्या, ज़मीन से वो थोड़ा उठा भी है ना, क्योंकि इधर अपना जैक लगा हुआ है, जैक प्लेट लगा उसका जैसे। चलिए ऊपर से भी आपको दिखाने की कोशिश अपन करते हैं। अभी अपन चलते हैं थोड़ा ऊपर इसके। तो अभी हम आ गए ऊपर यहाँ पे, और इस टाइप का इसका कंसोल यहाँ से, और दिस इज़ ओवरऑल क्रेन। जी हाँ, मेरे साथ राकेश कुमार जैन, क्रेन है ये हमारी, छत्तीसगढ़ की क्रेन है, बिलासपुर की। देख रहे हैं सर लोग, अभी क्या लंच टाइम हुआ है तो मेरे को फ्री मिला अभी यहाँ पे स्पेस, तो मैं सोचा थोड़ा शूट कर लूँ। और ये इसकी जो केबिन है, केबिन कुछ इस प्रकार से अंदर इसका केबिन है, वो मेरे को वो उस साइड से जाना पड़ेगा, इधर से तो नहीं बनेगा जाते। ऐसा है सीन, क्या कर रहे हैं दीपक सर आप यहाँ पे? ए दीपक भाई, क्या नाप रहा है? इंच नाप रहा है टायर का, 25 इंच आएगा। देख तो, हमको भी दिखाओ, हमारे व्यूअर्स को भी दिखाओ। अच्छा सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इधर से हमारे इधर से नहीं है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव में आता है। इसके जो स्टेयरिंग है वो उस साइड है, इधर नहीं है। भाई चढ़ जाऊँ? चढ़ जाता हूँ। फुल AC से रहता है इसमें, ये पूरे संदूक, इसमें पूरे इसके पैनल वगैरह रहते हैं, उधर से भी हम दिखाएंगे बाद में। तो ये पूरे अंदर से उसका क्रेन का, हाँ, संदूक में एक जादू छिपा, इस संदूक में जादू है? किस प्रकार का जादू है संदूक में? संदूक को देख के पता चल सकता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इस संदूक को देख के। इसमें क्या है पता है? इसमें पक्का फ्रिज है। चलिए आपको दिखाता हूँ उस साइड से, ये लेफ्ट हैंड, एक्चुअली लेफ्ट हैंड ड्राइव है क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, आई थिंक चाइनीज या जैपनीज कंपनी है ये अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको पढ़ के बता सकते हैं ये कौन सी कंपनी है। तो ये अब हम, तो अभी हम आ गए हैं ड्राइवर केबिन में, और ये कुछ इस प्रकार का सैनिक है इसका। ये भाई, ये ऊपर कैसे गया? ये ऊपर कैसे भाई, ये ऊपर आया अभी? ठीक, ये पूरा सेंसर इसका, ये पूरा स्टीयरिंग कंसोल,
पूरे यहाँ के। ओके ओके खा रहे क्या? हाँ गाड़ी में लगी होगी। ये है इसके डिस्प्ले, जिसको जैसे हमारी कार में रहती है उस प्रकार से ये है। और ये पूरे इसका सेंसर, ये पूरे यहाँ पे किलोमीटर्स कुछ इस टाइप का। बहुत बड़ा यहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ है सैनी का, बहुत सुंदर इसका वो आया है विजुअल। ये इसके गियर्स हैं। इसके गियर्स कैसे रहते हैं? ओ भाई ये सिर्फ वो है क्या? ऑटोमेटिक है। अच्छा ये ऑटोमेटिक भी है। इसमें देख सकते हैं आप, रिवर्स है, न्यूट्रल है, और ये आपका ड्राइविंग है। ओके ओके, तो इस प्रकार का है। मैं पहली बार चढ़ा हूँ आज, इतने दिन हो गए, 6 दिन हो गए मेरे साइड पे है, बट आज मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ इसमें। अब हम जाते हैं नीचे और बाद में हम आपको दिखाएंगे, और फिर हम आपको भी दिखाएंगे ऊपर वाला। जी हाँ, जहाँ से ये पूरा क्रेन ऑपरेट होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, अभी हम वहाँ चलते हैं। तो अभी क्रेन का ऑपरेटर भी अभी मौजूद नहीं है, तो अभी हम आपको चलते हैं, इस गर्डर को थोड़ा दिखा देते हैं ये कैसा होता है। तो दोस्तों इस टाइप से हम गर्डर को यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं और ये सीलिंग यहाँ पे लगा चुके हैं, और नाइट में हमारा ब्लॉक है, तो नाइट में हम इसको ऊपर उठाएंगे। और ये हमारी क्रेन हमारे यहाँ पे खड़ी हुई है, जिसका बूम निकल के सीधा यहाँ पे आया। इसका सीलिंग अभी हमारे साइड से पूरी तरीके से रेडी है, बस इसको अपने को लिफ्ट करना है ऊपर। तो देख सकते हैं काफ़ी आज की जो तैयारी है हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, हमको बस इंतज़ार है रेलवे के ब्लॉक का। Thank you.